फ्रेंड्स देखिए फाइनली मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और आपको देख के लग रहा होगा मेरे बाल कितने सॉफ्ट, कितने सिल्की, कितने शाइन कर रहे हैं। और ये देखिए ये मतलब कितना गंगा मेरा ऐसे ही निकल रहा है गंगा बालों। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका सीमा नेचुरल ब्लॉग्स में। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। स्पेशल क्या है, हेयर फॉल को लेके। और वो तो भाई सबकी सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, या मेल हो या फीमेल हो या बच्चे हो, सभी का हेयर फॉल बहुत हो रहा है। और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, किसी किसी को गर्मियों में होता है, किसी किसी को सर्दियों में। मुझे अक्सर सर्दियों में होता है हेयर फॉल, गर्मियों में नहीं होता, सर्दियों में होता है। और जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तभी मेरा हेयर फॉल होने लगता है। तो मैं वही कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी सारा बेनिफिट होता है, काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। तो वही मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ, शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। और कम से कम भाई आप एक बार ट्राई तो कम से कम करना, एक बार ट्राई करने के बाद आप खुद बोलोगे कि दी आपने ये हमें क्या चीज़ बता दी, इससे तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और हेयर फॉल तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की शाइनिंग, मतलब बार बार आप पर टच करने का मन करेगा कि वाह कितने सिल्की बाल हो गए हमारे, हमें पहले नहीं पता था ये चीज़। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें लेना है एक बाउल, ये देखिए मैंने बाउल ले लिया है। और उसमें डालेंगे 2 चम्मच इस तरीके से मेथी, और जो भी आपके बालों की लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ज़्यादा भी अगर स्टोर करना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, ये नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। इसे हफ्ते तक, एक हफ्ते तक आराम से अप्लाई कर सकते हो। और तो भैया हमने मेथी ले ली है, इसमें हमें पानी डालना है और पानी डाल के इसे रात भर फिलो के रखना है, ठीक है, अच्छे से फिलो लेना है इसको। और ये फूल के जितनी क्वांटिटी है ना इससे दो गुना नहीं है, 2 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगी, ये सारा बाउल भर जाएगा इससे, इतना फूल के हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए भाई ये मैंने पहले से ही मेथी फुला के रखी है। तो ये देखिए ये मैंने 2 चम्मच मेथी ली थी और ये देख सकते हो ये फूल के जो इसका, तो ये बहुत थोड़ी फुलाई थी मैंने, कितना हो गया। चलो जी अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस तो कर लेते हैं ऑन और रख लेते हैं एक पैन। तो ये मैंने पैन रख लिया है और अब हमें ये जो हमारी फूली हुई मेथी है सारी को इसमें डाल देना है, ठीक है। और भाई अब हमें इसे डालना है इसमें पानी, तो पानी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, तो इस तरीके से ये पानी डाल देना है इसमें। अब हमें लो फ्लेम पे इसे बिल्कुल पकाना है, जो भाई इसका जो मेथी का असर, इसका पानी देख सकते हो बिल्कुल येल्लो कलर का हो रहा है, ये रहा येल्लो कलर का पानी हो गया है इसका। और जो इसका मतलब अब इसका कलर और चेंज होगा, इसे हल्का हल्का धीमी धीमी आंच पे हमें पकाना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें देखो ये येलो कलर के बबल्स बनने लगे हैं और इसका कलर काफी चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से भीज भीज के इसको, ताकि जो इसका जो सारा फ्लेवर है ना ये पानी में आ जाएगा। और फ्रेंड्स ये इतनी अच्छी रेमेडी है, आप एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है। आप एक बार ट्राई करना तभी मुझे कमेंट करना, आपको एक ही बार में फ़र्क नज़र आ जाएगा। हेयर फॉल तो आपका रुक ही जाएगा 2 या 3 बार के अप्लाई में, और देखना ये एक जादुई रेमेडी बनने वाली है, आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ये कितनी मतलब आपको बेनिफिट देने वाली है। तो इस तरीके से अच्छे से मैंने इसे मैश कर लिया है। तो ये देखिए इसका कलर देख सकते हो आप, बिल्कुल येलो हो गया है। तो भाई ये हमारा, और इसका मैं पैक भी बनाने वाली हूँ, तो ये 2 in 1 काम करेगा हमारा। एक बार आपको पैक अप्लाई करना है और एक बार जो इसमें ये पानी निकलेगा ना येलो कलर का उसका स्प्रे करना है। तो भाई ये हमारा बन चुका है, हम अपनी गैस को बंद कर देते हैं, अब इसे ठंडा करना है। तो फ्रेंड्स अब इसे मैं छाने लेती हूँ, इस तरीके से एक बड़ी छन्नी लेनी है और इसको इस तरीके से बाउल में छान लेना है। तो ये देखिए ये हमारा जादुई पानी बनके तैयार है। अब हमें क्या करना है, विटामिन ई कैप्सूल लेने हैं, आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने लिए हैं विटामिन ई 2 कैप्सूल, अब मैं इन्हें कट करके इसमें मिला लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें बबल से ही ऑयल ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। और अब हमें चाहिएगी एक स्प्रे बोतल। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की मेरे पास पड़ी हुई थी। और तो अगर नहीं है बोतल तो आप कॉटन लेके कॉटन को इसमें डिप करना है और अपने बालों पर अप्लाई करना है। तो मैं इसे बोतल में भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जादुई टोनर बन के तैयार है। तो ये भाई एक तो ये तैयार हो गया, जो इसमें से हमारी ये साबुत मेथी बची थी ये, इसे भी हम फेंकने वाले नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से मिक्सी के जार में डाल लिया है और इसे मैं पानी डाल के बिल्कुल बारीक पीस के इसको भी हम अपने बालों पे अप्लाई कर लेंगे। तो एक बार आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हो हफ्ते में, और हफ्ते में एक बार ये अपना हेयर पैक लगा सकते हो। तो ये आपका भाई टोनर बन गया। इसे आप हेयर वॉश करने के बाद भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिपचिपाहट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। या ओवरनाइट भी आप रख सकते हो, या फिर धुलने से, बाल धुलने से एक घंटा आधा घंटा पहले भी आप इसे लगा सकते हो। तो भाई एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा, प्लीज ट्राई करना, तब भी आप कमेंट करना। आप पक्का मुझे बोलोगे ये दी आपने क्या बता दिया हमें, ये बहुत ही अच्छा मतलब जादुई टोनर है। और देखो इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, 2 चम्मच मेथी लेनी है, 2 चम्मच मेथी में ये अपना टोनर बन जाएगा और ये अपना हेयर पैक बन जाएगा। तो इसे बारीक पीस के आप इसे ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इसमें दही मिला के उस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस पर मैं फिर कभी स्पेशली वीडियो बना दूंगी। तो भाई चलो हम अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरी स्प्रे, तो ये हमें धीरे धीरे इस तरीके से अपने बालों पे अप्लाई करना है। तो पहले बालों को सबसे पहले काट लेना है। काट के तो मेरे बालों में ऑलरेडी ऑयलिंग हो रही है। मैंने मुझे था सुबह मुझे बाल धुलने हैं, तो मैंने पहले ही रात को इस तरीके से धीरे धीरे करके अपने बालों पे अच्छी तरह से लगा लेना है। तो भाई अच्छे से लगा लेना है, स्कैल्प पे भी लगाना है, अपने हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हो आप, क्योंकि इससे बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही सिल्की बाल होने वाले हैं। धुलने के बाद आप बार बार अपने बालों पे हाथ फेरोगे, देखना इतना जादू जादुई टोनर बन के तैयार हो गया है भाई ये। तो भाई मैंने लगा लिया है, अब मैं 1 या आधा घंटे बाद इनको वॉश कर लूंगी। ठीक है, फ्रेंड्स देखिए फाइनली मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। और आपको देख के लग रहा होगा मेरे बाल कितने सॉफ्ट कितने सिल्की कितने शाइन कर रहे हैं। और ये देखिए ये मतलब कितना गंगा मेरा ऐसे ही निकल रहा है, गंगा बालों में से, कोई मतलब इलाज वगैरह कुछ। और आप भी ट्राई जरूर करना, आपको एक बार भी फर्क नजर आ जाएगा। और आप भी जिस दिन फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करोगे ना, तब अपने बालों पर हाथ डालना, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ कोई जादू हो गया हमारे बालों पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ये ट्राई जरूर करना, पक्का ट्राई करना ये, क्योंकि मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। ये नहीं है कि मैं ऐसे कहीं से सुना और आपको ये वीडियो बना दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ट्राई करती हूँ ये, मेरा जब हेयर फॉल होता है। लेकिन मैं भी कभी कभी थोड़ा केयरलेस हो जाती हूँ अपने बालों को लेकर, लेकिन जब मुझे हेयर फॉल होने लगता है ना, तब मुझे लगता है भाई सीमा तो कुछ करना पड़ेगा। कभी कभी मैं भी आलसी हो जाती हूँ, गौर नहीं देती अपने बालों पर, लेकिन भाई मुझे भी हेयर फॉल होने लगता है जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, तो मेरा भी हेयर फॉल होने लगता है। और मैं 2-3 बार ट्राई करती हूँ, 2-3 बार में ही आपको, सिर्फ 2 बार यूज कर लेना, 2 बार में 50% आपको सब नज़र आ जाएगा। और ये ट्राई जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी, बाय बाय।